हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आम पन्ना और गुड़म्बे की रेसिपी, जिसे हम कच्चे आम से तैयार करेंगे। आम पन्ना तो हम सभी ने कभी ना कभी पिया है, लेकिन क्या आपने कभी गुड़म्बा खाया है? तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। आधा किलो कच्चे आम को अच्छे से धो लें और फिर थोड़े से नमक के साथ कुकर में इसे बॉयल कर लें। इसे 3 से 4 विसल्स ही देने हैं और फिर प्रेशर रिलीज होने के बाद कुकर को खोल लें। आम अच्छे से बॉयल हो गए हैं और इनका छिलका भी बढ़िया से अलग हो रहा है। अब सभी आम को एक खुले बर्तन में निकाल लें और थोड़ा सा ठंडा होने दें। आम का जो पानी है इसे फेंकिएगा नहीं, ये आगे हमारे काम आएगा। छिलकों को आम से अलग कर लें। मैंने यहाँ पे थोड़े गरम आम का ही छिलका अलग किया है, आप चाहें तो इन्हें ठंडा होने दें और फिर इनका छिलका अलग कर लें। अब आम बढ़िया से ठंडे हो चुके हैं, अब हम इसका गूदा अलग करेंगे। यहाँ पे मैंने छिलकों पर से भी चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा गूदा हटाया है। आप भी छिलकों को बहुत ज़्यादा मत रगड़िएगा, वरना ये कसैला हो जाएगा। सभी आमों का गूदा भी गुठली से अलग कर लेंगे, लेकिन इसे करते हुए ध्यान रखिए कि गुठली पे हल्का हल्का गूदा रह जाए। तो लीजिए, गूदा अलग हो गया है। अब हम एक बर्तन में पानी ले लेंगे। यहाँ मैंने वही पानी लिया है जिसमें हमने आम को उबाला था, और इसमें अब हम अपने आमों का गूदा मिलाएंगे और उसी के साथ हम इसमें थोड़ा सा पानी और भी मिलाएंगे। आधा किलो आम के लिए मैंने यहाँ पे 400 ग्राम गुड़ लिया है, जिसे मैंने थोड़ा थोड़ा सा तोड़ लिया था। इसे भी अब हम पानी में मिला देंगे और इन्हें बॉईल करने के लिए रखेंगे। इसे उबलते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं और गुड़ भी थोड़ा पिघल गया है। अब हम इसमें अपने मसाले मिलाएंगे, जैसे कि काला नमक, सूंड का पाउडर, लाल मिर्च, काली मिर्च, पुदीना पाउडर, जीरा पाउडर और सौंफ का पाउडर। सभी मिसालों को आम पन्ने में मिक्स कर दें और अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए उबलने के लिए रख दें। जब तक ये उबलेगा तब तक हम अपना गुड़म्बा रेडी करेंगे। अब एक बर्तन में हम अपने आम की गुठलियाँ ले लेंगे, उसी के साथ मैंने थोड़ा सा पल्प भी इसमें डाला है और अब इसमें मिलाएंगे पानी। साथ ही इसमें मैंने 4 डेलियाँ गुड़ की मिलाई हैं। इसे हम बॉयल करने के लिए रखेंगे और अब हम इसमें मिलाएंगे मिसाले, जैसे कि काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, पुदीना पाउडर, सौंफ का पाउडर और जीरे का पाउडर। सभी मिसालों को गुड़म्बे के साथ मिक्स करेंगे और अब हम इसे बॉईल होने देंगे। आम पन्ने में और गुड़म्बे में ऑलमोस्ट सभी मिसाले सेम हैं, बस हमने उसमें सूंड का पाउडर डाला था जो हमने इसमें नहीं डाला है, और इसमें हम थोड़ा सा एडिबल कलर डालेंगे, वह भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। दूसरा, आम पन्ना में गुड़ की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि हमें उसका शरबत की तरह इस्तेमाल करना है, लेकिन गुड़म्बे में गुड़ की मात्रा कम होती है क्योंकि इसका इस्तेमाल इसमें हमें खट्टे मीठे टेस्ट के लिए करना है। गुड़म्बे को हमें कोई ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, इसलिए हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, ताकि मिसालों का, गुड़ का और आमी के खटास का फ्लेवर्स अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। तो लीजिए, हमारा गुड़म्बा रेडी है। गैस को बंद करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो चलिए अब हम अपना आम पन्ना भी चेक कर लेते हैं। आम पन्ना भी ऑलमोस्ट रेडी है। ये काफ़ी देर से उबल रहा है और अब ये रिड्यूस होकर तकरीबन आधा रह गया है, और इसकी थिकनेस भी बिल्कुल ठीक है, ये पहले से काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब हम गैस को बंद करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। तकरीबन 1 घंटा हो चला है, आम पन्ना भी ठंडा हो गया है। इसे अब सर्विंग डिश में निकाल लीजिए। थोड़ी सी पुदीना की पत्तियां ऐड करके इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा कर लीजिए। चलिए अब हम अपना आम पन्ना भी बनाते हैं। एक गिलास में बर्फ़ के कुछ क्यूब्स ले लीजिए और फिर उसमें आम पन्ना का मिक्सचर ऐड कर लीजिए। ठंडा होने पर मैंने आम पन्ना को एक बॉटल में फिल कर लिया था। अब इसमें ठंडा पानी मिलाएंगे और चम्मच से हल्का सा मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, हमारा बहुत ही टेस्टी आम पन्ना रेडी है। लास्ट में गार्निश करिए पुदीना पत्ती के साथ एंड एंजॉय। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।